21 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और इस संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर यह संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए, 8,70,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ है। बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी। इस यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की प्रवाह के बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो, इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए। उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395
मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था, 75 प्रेक्षक भी गए थे, 1735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे, 11561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी, 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे, 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे, 7971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे, 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9234 प्रभारी ग्राम प्रधान, 1406 और सहायक ग्राम प्रभारी ग्राम प्रधान 3094 यानी कुल 10,49,680 यानी 10.5 लाख राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में जहां पर हम लोग 870,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के और समय कालकल भी थे, उन सब के प्रति भी मैं अपनी संपूर्ण उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही एक महीने के अंदर कभी हुई हो तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने की के लिए निर्वाचन आयोग को कहा। निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन